शिवपुरी डीएफओ सुधांशु यादव को बदनाम करने के लिए अज्ञात लोगों ने करबला से छतरी क्षेत्र तक चिपकाए पर्चे। एसपी से शिकायत, महिला अधिकारी से अवैध संबंध और जंगल का शत्रु बता की शिवपुरी से हटाने की मांग। शिवपुरी डीएफओ सुधांशु यादव को बदनाम करने के लिए शुक्रवार रात किसी अज्ञात ने कुछ पर्चे चिपकाए गए। इन पर्चों में डीएफओ का एक महिला रेंजर से अवैध संबंधों का जिक्र है। वह यह लिखा है कि डीएफओ जंगल का शत्रु है, वह जंगल माफिया और खनन माफिया है, मोटी रकम लेता है, इसे हटाओ, शिवपुरी को बचाओ। जानकारी के मुताबिक आज शनिवार सुबह शहर के छतरी क्षेत्र वन विद्यालय करबला के पास लगे मोदी वन बोर्ड के सात दरवाजे पर और होटल ठाट पाट के बोर्ड के साथ कई स्थानों पर पर्चे चिपके मिले। इसके बाद इन पर्चों की चर्चा शहर में होने लगी। हालांकि यह पर्चे किसने और क्यों चिपकाया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि वन विभाग के कुछ लोग पर्चे लगाने वाले को डीएफओ का सताया हुआ बता रहे हैं। वहीं डीएफओ सुधांशु यादव ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर से की है, जिस पर एसपी ने कोतवाली थाना प्रभारी टीआई रोहित दुबे को जांच का जिम्मा सौंपा है।